कैमरे पर मुंह क्यों छिपाने लगे लड़के लड़कियां। पुलिस ने मारा छापा तो झूमने लगे लड़के। नशे वाली पार्टी का कैसे हुआ भंडाफोड़। कैमरे पर मुंह छिपाते और बगले झांकते हुए नजर आए लड़के। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कैमरे से मुंह छिपाने वाले लड़कों की पूरी गैंग है। लेकिन अब मुंह छुपाए होत क्या जब काली करतूत आ गई सामने। ये मामला है नशे वाली पार्टी का। रविवार यानी कि 19 मई को बेंगलोर पुलिस को खबर मिली कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास स्थित एक फार्म हाउस में रेव पार्टी चल रही है। फिर क्या था, अपनी पलटन के साथ पुलिस तड़के ही छापेमारी के लिए निकल पड़ी। पुलिस जब फार्म हाउस पर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फार्म हाउस के भीतर लड़के लड़कियों की भारी भीड़ और अजीब आवाजों से पूरा फार्म हाउस गूंज रहा था। पार्टी में लड़के लड़कियां नशे में झूम रहे थे। नशे की खेप और लाउड म्यूजिक की वजह से पुलिस पर ध्यान देने का भी किसी को होश नहीं था। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से एक्सट्रेसी गोलियां, कोकेन, 17 MDMA गोलियां और नशे की भारी मात्रा में वहां पर पदार्थ बरामद किए गए। फौरन लड़के लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आप कैमरे के सामने अपने कपड़ों से मुंह छिपाते हुए देख सकते हैं। एक एक कर सारे लोगों को लेकर पुलिस थाने पहुंची। इसके बाद खुलासा हुआ कि रेव पार्टी में आंध्र प्रदेश और बेंगलोर के 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें 25 से अधिक लड़कियां थीं। पार्टी में मौजूद लोगों में DJ, मॉडल, अभिनेता और तकनीकी जगत से भी जुड़े लोग शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में एक दिन में लगभग 50 लाख रुपए खर्च होने थे। इस मामले को लेकर बेंगलोर पुलिस ने बताया कि 18 मई को शाम 5 बजे से लेकर 19 मई की सुबह 6 बजे तक पार्टी का आयोजन किया गया। हैदराबाद के रहने वाले वसु ने अपने जन्मदिन पर फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी थी, लेकिन नशे की खेप पार्टी में कौन लेकर आया इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन पार्टी लोकेशन पर खड़ी एक कार में आंध्र प्रदेश के एक विधायक का पास मिला है। इसके अलावा वहां पर 15 से अधिक लग्जरी कारें भी खड़ी थी, जिनकी जांच के लिए डॉग्स की मदद ली गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।